ये जो सेट है ये यूट्यूब में किसी ने भी नहीं दिखाया है, सच्ची में ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मुझे एक चीज ये इन डॉल्स का इतना अच्छा लगता है कि ये टकली नहीं होते हैं, जस्ट लाइक जो दूसरे जो डुप्लीकेट डॉल्स होते हैं। सारी, तो गाइज ये है डॉल का सारी। तो फर्स्ट है ये थोड़ी सी सीक्वेंस सीक्वेंस वाली ग्रीन कलर की फ्रॉक। ये है लाइट पिंक में एक फ्लावर डिजाइन का लॉन्ग गाउन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। सो मेरे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बार्बी हॉलिक वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, जैसे कि बार्बी डॉल के ड्रेसेस, बार्बी डॉल के एक्सेसरीज, और इससे भी पहले मैंने दो अनबॉक्सिंग किया है बार्बी सेट्स का, और वो जो कि आप जाके देख सकते हो। और बाद में मेरे साथ ना एक साथ इतना सारा अमेजोन का आइटम आ गया था। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी ना यार, क्योंकि मैंने इतना सारा डॉल्स का आइटम मंगाया था और एक ही दिन में सब आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इसे एक एक अनबॉक्सिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और हमारा डॉल्स थोड़ी जल्दी नहीं आ पाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इसे जल्दी जल्दी अनबॉक्स कर लेते हैं, आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या अपनी बार्बी के लिए लेके आई हूँ। और गाइस, हमारे पास आज इतना कुछ है, और हम लोग ये सब किसके लिए लेके आए हैं? बार्बी के लिए लेके आए हैं, मेरी जो एक्ट्रेस है जो कि बार्बी है। क्योंकि यार, बार्बी जस्ट लाइक इन, जैसे कि आप बॉलीवुड में एक्ट्रेस रहते हैं, वो आते हैं और हर सीन या फिर मूवी के लिए काम करते हैं, फिर दूसरे मूवी के लिए काम करते हैं। वैसे मेरी डॉल्स मेरे जो स्टोरी वीडियोज़ में उनमें काम करती हूँ, मैं उनके लिए इतना सारा सामान लाती हूँ, वो पहनती हैं, इतना कुछ मैं उनके देती हूँ। तो हम वही सेट आज अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलो किसे स्टार्ट करें, हमारे पास कितना कुछ है आज। ये बड़ा वाला एक बॉक्स है, हमारे पास ऐसा कुछ अमेजोन के पैकेट से थी, और बाद में ये एक बॉक्स है, और इसके अंदर भी कुछ है जो मैंने ओपन कर लिया था। तो इसे एकदम ऐसे साइड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं आपको एक एक अच्छे से आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा क्यों ऑब्सेस्ड हूँ, मैं हमेशा अमेजोन से क्यों ऑर्डर करती हूँ, अमेजोन ने क्यों हमें फ्री में तो थोड़ी ना दे रहे हैं आइटम्स। नहीं यार, अमेजोन में हमने राखी बांध के भाई नहीं बना दिया है कि हमको सब फ्री में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मुझे अमेजोन में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डिटेल में डॉल्स का आइटम्स मिलता है, इट्स एक्चुअली बेटर देन फ्लिपकार्ट। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, जस्ट माई ओन ओपिनियन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये एक बॉक्स, एंड यू गाइज भी थिंकिंग कि मैंने ये ओपन क्यों है। सो लेट मी रिवील, ये ओपन इसलिए क्योंकि इसका मैंने अनबॉक्सिंग शॉर्ट्स में किया था, और ये देखिए मेरी डॉल्स हैं दोनों भी। सो दिज आर एक्चुअली स्पेशल मेटल बार्बी डॉल, एंड दिज आर रियल बार्बी डॉल्स, दैट्स व्हाई दिज आर वेरी हैवी, एंड आई थिंक दिस आर द जस्ट प्रीटीएस्ट बार्बी एवर, दे आर सो ब्यूटिफुल, आप देख सकते हो। मतलब ये जो है ना, ये ब्लैक वाली, इसने तो मेरा लाइक हार्ट ही स्टोल कर दिया। शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। एक्चुअली कलर doesn't matter, just matter is your face and how much nice you are from your heart, you know, aap dil se kitne acche ho, that just matter, and but still ye kali hai, it's okay, but yaar iska कितना सुंदर दिखती है। आई थिंक ये, और ये उसकी फ्रेंड है जो कि ब्राउन स्किन्ड है, लाइक इंडियंस ब्राउन स्किन्ड या फिर डार्क ब्राउन स्किन्ड होते हैं, जस्ट लाइक मी, आप देख सकते हो गाइस। अब मुझे बता दो, मैं कौन सी कलर की हूँ? मैं इतनी हेवी मेकअप भी नहीं करती हूँ कि मैं ऐसे गोरी बन जाऊँ और मैं मुँह छुपा दूँ। मेरा जैसे स्किन है मैं वैसे दिखाती हूँ। आई एम नेवर स्केयर टू शो माई फेस, राइट? सो आप देख सकते हो ये डॉल मेरी कितनी ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मुझे एक चीज़ ये इन डॉल्स का इतना अच्छा लगता है कि ये टकली नहीं होते हैं, जस्ट लाइक जो दूसरे जो डुप्लीकेट डॉल्स होते हैं वो टकली हो जाते हैं यार। इनको जितना भी आप ना ऐसे रबर बांधे, टकली नहीं होंगे। अब देखो, ये देखो ऐसे, ठीक है ना, कितने सुंदर है। और मुझे अच्छा लगा ना, इन दोनों का अलग अलग कलर है। और यार, ये जब आया था ना, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी, इसलिए मैंने क्लिप लगा दिया इसको। ये देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। वाओ, आई जस्ट लव दिस डॉल। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपनी डॉल्स को, देखो कैसे रख दिया, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। ये है बॉक्स नंबर टू। आप देख सकते हो ये है मेरा केन डॉल, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना, आप देख सकते हो। और ये मेरे बाकी सब केन डॉल से थोड़ा सा अलग है, और आप देख सकते हो ये मस्त एक बैग में आया है। इसे ओपन करते हैं। वाओ यार, मुझे अच्छा लगा कि एक बैग में आया है, कितना ज़्यादा अच्छा है ये बैग। तो चलिए इसे अच्छे से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, ये
कैंडल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आप देख सकते हो ये है एक शूज़ में और इसने देखो एक पैंट पहना है। ये अलग ही कलर का है, थोड़ा सा ग्रेइश है और ब्राउन भी दिख रहा है। आप मुझे बताना कि कौन सा कलर है। और इसने बहुत ज़्यादा सुंदर एक क्लाउडी ग्रीनी टाइप का एक टॉप पहना है, मतलब शर्ट पहना है और आप देख सकते हो। और यार एक चीज़ इसकी मुझे अलग लगी कि ये जो है ना ये डॉल बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब ये बाकी सब डॉल की तरह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, रबर वाला डॉल है, आप देख सकते हो सिलिकॉन वाला डॉल है। आप देखो देखो कितना ज़्यादा बेंड होता है इसका हैंड वगैरह, तो कैन भी सोच रहा होगा यार मेरा हाथ तोड़ दोगे क्या। आप देख सकते हो इसका नेक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये मस्त ऐसा 360 डिग्री ऐसे घूम सकता है। होली बाबा मेरा बाल, मेरा मुंह किधर गया? इधर है, ठीक है। और आप देख सकते हो और ये कुछ ऐसे अपना हैंड करेगा, तो वोट किसको दोगे? अब हम इनको भी हमारी लड़कियों के बीच में हमारे कैन को सजा देते हैं। तो ये लड़कियों के बीच एक लड़का, मतलब सॉरी दो लड़कियों के बीच एक राजकुमार। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़े बॉक्स के अंदर क्या है, तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर ऐसा कुछ है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो गाइस इसके अंदर एक फैमिली डॉल सेट जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मुझे पहली बार अमेज़न में ऐसा दिखा, तो वो तो आप सभी लोगों को लास्ट तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक यूट्यूब में किसी ने भी वो अनबॉक्स नहीं किया होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो स्किप बिल्कुल मत करना। तो आप मेरा वीडियो अच्छे से देखना, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वेट फॉर योर सरप्राइज। तो हम लोग निकालते हैं, हम लोग अभी पैकेट्स देख सकते हैं, हमारे पास तीन पैकेट हैं अमेजोन का, तो अब हम कौन सा निकालें? ये वाला छोटू सा है और ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी है, मतलब इसके अंदर कुछ तो होगा। ये है थर्ड पैकेट। गाइज आप क्या सोच रहे हो इसके अंदर ऐसा क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। और गाइज ये जो सेट है ये यूट्यूब में किसी ने भी नहीं दिखाया है सच्ची में, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, ऐसा क्या है। 1, 2, 3 तो गाइस ये है इंडियन ड्रेसेस, वो भी डॉल्स के। सो फ्रेंड्स, मैंने ना बहुत दिनों से ना मैं सोच रही थी कि यार मैं कब मेरा डॉल का इंडियन ड्रेस आएगा, कब आएगा, और फाइनली आप देख सकते हो आ चुका है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो फाइनली, देखो सबर का मतलब फल टूट चुका है, देखो मेरे पास आ चुका है फाइनली ये ड्रेसेस। बट यार इसके अंदर और एक जो ड्रेस है इंडियन ड्रेस, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इन सबसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, जो कि थोड़ा सा डिले हो गया है, तो वो आई थिंक लेट आएगा, तो उसको मैं शॉर्ट्स में कवर कर लूँगी या फिर वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग देखेंगे ये एक बाय एक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और आप लोग भी वेट कर रहे होंगे ना ये कैसा दिखता है, क्या है ये, तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो, तो मैं ना लाई हूँ सारी, तो गाइज ये है डॉल का सारी, तो मैं यहाँ लाई हूँ 2 सारी, तो ये है एक पिंक कलर का और एक है ग्रीन कलर का। तो गाइज डॉल के ड्रेसेस में क्या होता है, एक तो साड़ी होता है, नहीं तो कुर्ती होता है, नहीं तो लहंगा होता है, तो मैं इस बार लाई हूँ साड़ी और लहंगा। और गाइज ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, प्लस गाइज इसके अंदर आया है ब्लाउज, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, मेरे डॉल्स को बहुत ज़्यादा फिट आएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये साड़ी बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब इसको ना आप जो डॉल का जो वेस्ट होता है ना उसको आपको ऐसा देखो बटन अप कर लेना है, ऐसा देखो ऐसे बटन अप कर लेना है, फिर ये देखो आपका ऐसे बन जाता है, फिर आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे रोल अप करके उसे देखिएगा ऐसे साड़ी करके मतलब इस तरह से ऐसे साड़ी करके बना देना है। सो ऐसे ही ये साड़ी है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। और आप सोच रहे हो कि यार सुहानी दीदी प्लीज़ एक डॉल के ऊपर पहना के दिखा दो, बट नहीं यार, मैं तो डॉल स्टोरी में आपको सीधा दिखाऊंगी मेरे डॉल्स के कैरेक्टर में, ठीक है गाइस। तो इसे मैं ऐसे 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 रख लेती हूँ और आप देख सकते हो ये है ग्रीन कलर का। और गाइस यार कपड़े की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एकदम, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी मम्मी साड़ी पहनती है, सेम टू सेम वैसे। मुझे ना ये दोनों में से साड़ी में से अगर आप बोलोगे कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मुझे दोनों साड़ी में से ना ये ग्रीन कलर का साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इट्स जस्ट मैचिंग एंड सो ब्यूटीफुल। अब हम देखेंगे लहंगा। तो गाइस ये है डॉल्स का लहंगा, तो मैं आपको पहला वाला लहंगा दिखाती हूँ, ये देखिए ये है उसका नीचे का और ये है उसका ऊपर का। और गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, गाइस ये है बैकलेस, ये बैकलेस है, ये बैकलेस लहंगा है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रिटी एंड सुंदर लग रहा है। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है, लहंगे की तो क्वालिटी साड़ी से भी सुंदर है। और इसके अंदर देखो कितना ज़्यादा लेयर्स भी है, विच मेक्स द क्वालिटी वेरी नाइस। और मुझे तो ये सच्ची में पहनने का मन कर रहा है, बट अफसोस इट्स फॉर द डॉल्स। तब हम देखेंगे नेक्स्ट लहंगा।
और गाइस जो ये लहंगा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो, एस्थेटिक लग रहा है ये बहुत ज़्यादा। और ऐसा ना मुझे रॉयल वेडिंग नहीं होता सेम टू सेम वैसे। और इसके साथ आया ये वाला ब्लाउज और इसकी चुन्नी देखिए गाइस, ये ओढ़नी कितनी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है गाइस। मुझे ना ऐसा लग रहा है यार मैं इसे पहन लूँ तो कैसी लगेगी, कितना ज़्यादा सुंदर है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यार मम्मी प्लीज़ मेरे लिए ऐसा वाला लहंगा बना दो प्लीज़। ये देखो मेरे हाथ को नहीं आ रहा बस, ये देखो ऐसे। और ये लहंगा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जस्ट मतलब मैंने ना ड्रीम देखा था कुछ दिन पहले, जस्ट ड्रीम में मेरी शादी नहीं मेरी बर्थडे पार्टी थी जहाँ पे मैंने ये लहंगा पहना था और ये मेरे पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और जस्ट सेम टू सेम ऐसा था बट थोड़ा सा अलग कलर में था। और यार वो सपना भी क्या सपना था, और वो कभी सच नहीं हो सकता शायद तो हम लोग इसे अच्छे से रख लेते हैं साइड में। और आप देख सकते हो गाइस दिस आर ऑल द ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि आप इस पैकेट में देखे, वेस्टर्न। नाउ दिस इज द टाइम फॉर वेस्टर्न ड्रेसेस, क्योंकि आप सभी लोग अभी देख चुके हो क्योंकि आपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी देख लिया, आपने डॉल्स भी देख लिए, और अब आप डॉल्स के पहनने वाले वेस्टर्न ड्रेसेस देखोगे जो कि आपका मेरा दोनों का फेवरेट है। तो चलिए गाइस, तो गाइस दोनों में ही ड्रेसेस है तो आई एम थिंकिंग कि मैं दोनों में से कौन सा अनबॉक्स करूँ। तो बाबा आप ना शफल कर दो, ऐसे ऐसे शफल करो और मैं एक पिक करूँगी। चलो बाबा जल्दी करो, पिक करो, ठीक है। वाओ थैंक यू, ये बड़ा वाला मुझे यही करना था, ठीक है मैं ये अनरैप कर लेती हूँ इसे गाइस। इसके अंदर है वेस्टर्न ड्रेसेस जो कि थोड़े से ट्रेडिशनल ड्रेस से मिलते जुलते हैं और वेस्टर्न भी हैं, मतलब तो चलो मैं इसे अनरैप कर लेती हूँ। पैकेट के अंदर पैकेट, पैकेट के अंदर पैकेट, और उसके अंदर है सामान। और गाइस दिस ड्रेसेस आर सो प्रिटी, और इसके अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स फॉर माई डॉल्स। तो फर्स्ट है ये थोड़ी सी सीक्वेंस वाली ग्रीन कलर की फ्रॉक, तो आप देख सकते हो ये पीछे से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और आप मस्त ऐसा वेलक्रोम निकाल के आपकी डॉल्स को पहना सकते हो। यार मुझे तो ना पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फाइन एंड फिट है। और अगर आपको ग्रीन कलर पसंद नहीं आता तो आप रेड कलर पहन सकते हो, रेड। तो गाइस ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और अगर आपको रेड कलर अच्छा नहीं लगता तो आप ब्लू कलर पहन सकते हो, और अगर आपको ब्लू कलर भी अच्छा नहीं लगता तो पिंक कलर पहन सकते हो, पहना सकते हो, क्योंकि ये तो आपके साइज का है नहीं, डॉल के साइज का है तो उनकी मौज मस्ती है, ठीक है ना गाइज। तो मैं मेरे एक्ट्रेस को दिखाऊंगी कि आपको कौन सा पसंद है ड्रेस, तो बोलेंगे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, ये भी इतना खास नहीं है, हाँ ये अच्छा है। तो गाइज सेम पैटर्न में इतना सुंदर सुंदर कलर्स मिल रहा है आपको, कितना अच्छा है ये, और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा प्रीटी है। तो हम लोग इसे थोड़ा सा ऐसे इधर रख लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रेड कलर, तो गाइस रेड जस्ट रियली सो ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो इसके ऊपर कितना सारा फ्लावर्स का पैटर्न है, और इसकी भी क्वालिटी फिट एंड फाइन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपकी बारबीज को ये रेड कलर अच्छा नहीं लगता तो चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं, बारबी आज की पार्टी के लिए ये ड्रेस अच्छा होगा? No, red color is not my favorite. तो ये पिंक कलर अच्छा होगा? No, पिंक कलर में कितनी childish दिखूंगी मैं, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। No, no, this is not perfect for me. Okay, महारानी जी, क्या ये ग्रीन कलर ठीक है? आपके पास और एक कलर होगा एंड पक्का वाला प्लीज, मैं लास्ट वाला पक्का हाँ कर दूंगी। ठीक है, ये ब्लू कलर अच्छा है, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। Beautiful. तो गाइस आप देख सकते हो इसी तरह हमारे जो डॉल्स हैं वो अलग अलग पैटर्न्स चूज कर सकती हैं अपनी मर्जी का। और गाइस लास्ट में हमारे पास बचा है दो ड्रेसेस जिसका भी पैटर्न सेम है बट कलर डिफरेंट है, बट ये दो दो है, इसमें ये ब्लैक कलर और ये है वाइट कलर, और ये वाला दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और आप देख सकते हो। वैसे अगर मुझे कोई पूछता तो मैं तो बोलती कि मुझे यही कलर पसंद है, या मेरे पर कितना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, बट अफसोस ये डॉल्स का ड्रेसेस है। तो आप देख सकते हो गाइस दिस इज़ ऑल, अभी हम अनरैप करेंगे फुटबॉल। आप
आप सोच रहे होंगे कि सुहानी दीदी आप कितना सारा ड्रेसेस लेके आएंगी डॉल के लिए, अब तो बस कीजिए। तो गाइस आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप अभी तक तो शॉर्ट ड्रेसेस देख रहे थे या फिर इंडियन वाले ड्रेसेस देख रहे थे, बट अब आप देखोगे लॉन्ग गाउन या फिर फ्रॉक। तो गाइस पहले वाला हम लोग गाउन निकालते हैं जो कि है देख सकते हो पिंक कलर का, और ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आप देख सकते हो। और उसके ऊपर देखो कैसे छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हैं, एंड दिस इज़ जस्ट लाइक परफेक्ट फॉर माय बार्बी डॉल। और जो कि पार्टीज़ वगैरह होंगे तो वो लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक पहन सकती हैं। सब इनको साइड कर लेते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट। तो ये है एक राजकुमारी वाला फ्रॉक, मतलब ये ना मुझे एक प्रिंसेस वाइब्स देती हैं। जो महारानी नहीं रहती वो यही ड्रेसेस पहनती हैं ना, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक्स। और इसका देखो आप बॉटम देख सकते हो, ऐसा पूरा ऐसा मोटा मोटा नहीं फूल जाता है, ये अपने बस में देखो ऐसा नहीं नहीं है, मोटा मोटा फूलता ही है, ऐसा रहेगा आप देख सकते हो। मतलब जैसे लाइक डांस हम लोग कर सकते हैं, तो आप मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये पर्पल। मतलब ये ना मेरे सपनों में से नहीं है, जो प्रिंसेस नहीं रहती है वो डांस करती है किंग के साथ, तो जस्ट लाइक दिस नहीं, प्रिंसेस प्रिंस के साथ डांस करती है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और आप पीछे से भी इसे देख सकते हो और आगे से भी देख सकते हो, दिस इज़ सो प्रिटी। तो हम लोग इसे रख लेते हैं, ये थर्ड है। और फोर्थ हमारे पास है, देखते हैं। वाओ दिस इज सो प्रीटी गाइस, आप देख सकते हो ये है लाइट पिंक में एक फ्लावर डिजाइन का लॉन्ग गाउन, और आप पीछे से भी देख सकते हो और आगे से भी देख सकते हो। दिस इज फोर्थ नंबर, एंड लेट्स सी द फिफ्थ नंबर। और गाइस ये थोड़ा सा सिंपल गाउन है, बताओ क्यों? आपने प्रिंसेस की स्टोरी सुनी है, इसकी रपंजल या फिर सिंड्रेला स्टोरी वगैरह, जिसमें नौकरानी भी होती है, मतलब वो बाद में प्रिंसेस बन जाती है फ्यूचर बाद में, बट तब तक के लिए उन्हें ये सिंपल ड्रेस पहनना पड़ता है और बेचारे को बहुत सहना पड़ता है। जैसे कि सिंड्रेला स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जब बहुत छोटा हुआ करती थी तब। तो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। और ये देख सकते हो मुझे मिला है 1, 2, 3, 4, 5 पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर माई डॉल्स। और ये बहुत ज़्यादा लंबा लंबा, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो आई थिंक गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो चुका है, एंड आई नो दैट आई प्रोमिस्ड कि मैं ये वाला बॉक्स आपको अनरैप करके दिखाऊंगी, बट आई एम काइंड ऑफ रियली सॉरी, क्योंकि गाइस मैं बहुत जल्दी इसके बाद जो नेक्स्ट अनबॉक्सिंग आएगा या फिर उसके बाद एक अनबॉक्सिंग आएगा उसके अंदर ना आप सभी को पक्का ये सेट में अनरैप करके दिखाऊंगी। जस्ट वेट फॉर सम डेज एंड आई विल शो, बट तब तक आप ये इन्जॉय कीजिए जो कि मैंने कितना सारा कुछ अनबॉक्स यहाँ पे किया है। एंड गाइस मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नटखट्टी सुहानी। पर जाने से पहले एक बार आप अच्छे से देख लीजिए।